पाकिस्तान ने अखनूर सेक्टर में सीज फायर तोड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान की ओर से देर रात 2:35 पर फायरिंग की गई। फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान घायल हुआ है। पाकिस्तान की इस हरकत को कश्मीर में चुनाव में माहौल बिगाड़ने की कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है। स्नाइपर अटैक किया गया था, हमारे सहयोगी रजत वोरा ने हमें बताया। स्नाइपर यानी कि वो निशाना लगा करके इस अटैक को अंजाम दिया गया है। जहां से पाकिस्तान की सीमा कितनी करीब है ये आप देख सकते हैं। जी मीडिया संवाददाता रजत वोरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, जैसा कि आपने बताया था कि स्नाइपर अटैक किया गया था, बीएसएफ के एक जवान को घायल किया गया था, इस मामले में किस तरह से जवाब दिया गया है और क्या रणनीति नजर आती है पाकिस्तान की? जी चंदन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण इंसिडेंट माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तैयारी चल रही है। 18 सितंबर को पहला फेज की वोटिंग जो है वो होनी है। उसी के बीच आपको बता दें कि जम्मू भारत की सेनाओं और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच में फरवरी 2021 से सीज फायर चल रहा है, यानी कि सीमा रेखा कोई भी लांगेगा नहीं, उसका उल्लंघन नहीं करेगा, ये पैक्ट चल रहा है। और उसी बीच पिछले अगर बात करें करीबन एक साल की, तो ये चौथा इंसिडेंट ऐसा है जिसमें पाकिस्तान ने नापाक साजिश को अंजाम दिया। और उस समय जब विधानसभा चुनाव चल रहे, बीएसएफ का एक जवान इसमें इंजर्ड हुआ है, हालांकि वो खतरे से बाहर है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में उसे शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि स्नाइपर शॉट की खबर जो है वो सामने आई है कि पाकिस्तान की तरफ से एक ही गया, पर उसी बीच ये भी सामने आ रहा है कि भारी तादाद में जो रिटेलिएशन है वो बीएसएफ की तरफ से किया गया है। सीनियर ऑफिसर्स लगातार बीएसएफ के यहां पर पहुंच रहे हैं, वो जिस तरह से जो प्रोटेस्ट दर्ज करना होता है वो भी लगातार कर रहे हैं। और उस बीच ये भी कहा गया है कि अगर पाकिस्तान ने इस तरह की कोशिश की तो उसे करारा जवाब जो है वो बिल्कुल। और जाहिर सी बात है, यहाँ सवाल ये भी उठता है कि पाकिस्तान ने निश्चित तौर पर ये एंटिसिपेट किया होगा कि जवाब तो मिलेगा, क्या रणनीति है ये भी अब देखना होगा, आने वाले दिनों में साफ होगा। रजत, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखें। जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जी